हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 14 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाला आपका पेपर जो है समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम बेल्ट्रॉन डीईओ में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, हम उसी क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उस क्वेश्चन का रिव्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज के डेट में अपना एग्जाम को देकर आए हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन को मैच कीजिए कि आपका स्कोर 60 क्वेश्चंस में आपका कितना बना, यानी कि जो आपके बिहार बेल्ट्रॉन में 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें आपका कितना स्कोर दोस्तों बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले एग्जाम डेट्स में है, यानी कि आज के बाद किसी भी डेट में, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ये नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन जो है किस तरह का प्रश्न आपके पूछ रहा है 60 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग भी इंक्लूड है, तो वो हम दोस्तों बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट बात दोस्तों, कि अगर आपका कोई भी प्रश्न आपको याद है, अगर आप आज के डेट में एग्जाम देकर आए, अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिसका हम फिर से एक सटीक रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम आईडी दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर आईडी पर जाकर भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेल से। ठीक है, एक्सेल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल जो आपका 2016 का है, एमएस एक्सेल जो आपका 2016 है, अभी तो 21-22 चल रहा है, ठीक है, उसमें डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी की आपका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका एमएक्स एक्सेल 2016 है उसमें अंतिम क्रिया जो होता है उसको किसके दोहराने के लिए आपका शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसका जो शॉर्टकट कुंजी आपका F4 है। ठीक है, अगर F4 हम प्रेस करते हैं तो आपके वह जो आपकी अंतिम क्रिया वह रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका F4 आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया था कि रूलर बार जो आपका नीचे रूलर बार होता है ना, डिफॉल्ट रूप में प्रदर्शित होता है, जो आपका डिफॉल्ट रूप में प्रदर्शित होता है और उसको डैश के नीचे दिखाई देता है, जो आपका रूलर बार जो होता है वह कहाँ दिखाई देता है, तो आप सब दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे, या नीचे टूल बार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, टूल बार, ठीक है, तो वही टूल बार के नीचे वो आपका दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, टूल बार के अंतर्गत ही आपका दिखाई देता है। ठीक, जो देखिए अगला एक पूछा गया था 6 में कि वर्कशीट और वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाए। ठीक है, आप उसको रिव्यू टैब पर जाए और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें, तो इससे दोस्तों क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका सत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है, हो सकता है या निर्धारित हो सकता है, ये नहीं, लेकिन ये बात जो है आपका सत्य है, ऐसे आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था कि GUI डैश के बीच आपका इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो आपका GUI है वो आपका किसके बीच में करता है, यू आर आई प्रयोग करता है, यानी कि यूजर और आपका हार्डवेयर। ठीक है, यूजर और आपका हार्डवेयर के प्रयोग में दोस्तों आपका ये आपका इंटरफेस में आपका प्रयोग में कार्य करता है, यानी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि एक्सल में स्तंभ यानी कलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, जो आपका ये एक्सल शीट होता है, ऐसे 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 आपका एक्सल शीट होता है। ठीक है, इसमें आपका स्तंभ और कलम को किस रूप में आपका लेबल किया जाता है, तो इसको दोस्तों ABC के रूप में आपका दोस्तों लेबल किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ABC के रूप में इसको लेबल किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में आपका दिखाया जा सकता है, जो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको किस किस संरचना में आप दिखाया जा सकता है, यानी कि उसको आउटलाइन व्यू, उसको दोस्तों आउटलाइन व्यू में दोस्तों उसको दिखाया जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले, अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था देखिए 11 में, कि एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि एमएस वर्ड 2016 को विंडो को विभाजित करना। ठीक है, यहाँ जैसे कि आपको एक विंडो इधर हो जाना चाहिए और एक विंडो आपको इधर हो जाना चाहिए, दो विंडो आपको होना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों हम सी अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, अगर एस हम लगाते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, तो आपका दोस्तों विंडो दो खंडों में आपका विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए,
डैश लिंक पर किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला होता है उसे क्या होता है, क्या कहते हैं, यानी कि www. ठीक है, यानी जैसे कि आप सर्च करते हैं www.google.com, ठीक है, google.com जैसे आप सर्च करते हैं तो यही आपका दोस्तों www. होता है, लिंक जो होता है वो दस्तावेज या पृष्ठों को संग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि डैश केवल तब होता है जब हम डाटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, किसमें, यानी कि डैश तब होता है, क्या होता है, जब हम किसी डाटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उसको हम मर्ज करते हैं यानी कि उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको दोस्तों मेल मर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, मेल मर्ज आप लोग याद रखिए, मेल मर्ज उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं, किसी वर्कशीट पर जो बॉर्डर लगा होता है उसको आप कैसे हटा सकते हैं, तो देखिए उन सभी सेलों का चयन करें जिसमें आपने बॉर्डर को निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू में नीचे नो बॉर्डर पर क्लिक कर दे तो आप वहां से आपका दोस्तों हट जाएगा, जैसे कोई आपका वर्कशीट हो गया जिसमें आपको उस पर बॉर्डर लगा दी। ठीक है, इसको हटाने के लिए इस प्रोसेस से जाकर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो आपका एमएस एक्सेल होता है उसमें किस प्रकार का डेटा का उपयोग आपका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उस फंक्शन का स्कोर आपका जो आपका फंक्शन होता है उसका प्रयोग दोस्तों उसमें नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता आपका एमएस एक्सेल में। ठीक है, अगला देखिए, डैश विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन यानी कि प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्या है, यानी कि डैश यानी कि वो स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक चार्ट जो होता है आपका स्टॉक चार्ट और विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के लिए आपका प्लांटिंग का बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका पूछा गया था यहाँ पे, एमएक्स एक्सेल 2016 में होम मेनू, ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी कि सॉर्ट कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, तो कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट आपका उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें फिल्टर करने के लिए कितने प्रकार के जो आपके सॉर्ट होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो उसमें बस दो प्रकार के दोस्तों आपका जो होते हैं वह यहाँ पे सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपका पूछा गया था यहाँ पे कि डैश टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, क्या, यानी डैश टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि, तो दोस्तों आपका एडिटिंग होता है यानी कि जब हम एडिटिंग करते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं से उठाकर आप उसको कहीं भी माउस के द्वारा पर लेकर जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ड पैड फाइलों की फाइल एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, तो दोस्तों आरटीएफ आपका होता है, यानी कि वर्ड पैड फाइलों की फाइल एक्सटेंशन आपका आरटीएफ में आपका होता है, जो आपका पीडीएफ में भी होता है, डॉक में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ड फाइलों का फाइल जो एक्सटेंशन होता है वो आपका आरटीएफ में ही आपका होता है। ठीक है, अगला, किसी एमएक्स एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप करना चाहते हैं तो कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची में केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो तो आप किस फंक्शनल का उपयोग करेंगे, तो आप दोस्तों उसमें डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अगला देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन 23 में कि एमएस पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है। ठीक है, जो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है वो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी प्रकार को प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रेजेंटेशन के द्वारा उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे देख सकते हैं कि टास्क बार में एक प्रयोग को शामिल किया जाता है, यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, जो टास्क बार से अगर आप प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर डैश करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आपका टास्क बार का प्रोग्राम होता है उसका आइकन पर आपको क्या करना होगा, उसके आइकन पर जाकर दोस्तों हमें सिंगल क्लिक करना होता है, सिंगल क्लिक करना होता है तो आपको वो दोस्तों आइकन ओपन हो जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 देगा, यानी कि सिंगल क्लिक करना होता है। ठीक है, आपके माउस के थ्रू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन बाई लाइन रूपांतरित करता है, यानी कि कौन सी भाषा जो प्रोसेसर को
उच्च स्तर पर यानी कि हाई लेवल पर हम लिखे गए, तो उसका प्रोग्राम को मशीन भाषा में प्रोग्राम करने के लिए लाइन बाई लाइन आपको रूपांतरित करता है। तो ये दोस्तों आपका होता है इंटरप्रेटर, यानी कि दुभाषिया बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, यानी कि दुभाषिया होता है। कोई भी आपका ऑप्शन में दिखे तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे एक दो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, ठीक है। जो डेंट इंडेंट होता है वो किसको आपका इंडेंट करता है, यानी कि डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो दोस्तों पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट लाइन को आपका इंडेंट करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आपके आज के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो आपके बेल्ट्रॉन डीईओ का एग्जाम होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से हम इतने क्वेश्चन को आप करेंगे। अगर आप दोस्तों आज के डेट में अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, तो अगर आपको भी जो भी क्वेश्चन आप याद हो, आप हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम आईडी पर दोस्तों उस क्वेश्चन को दोस्तों भेज सकते हैं, ठीक है, जिसका हम रिव्यू कर सकते हैं, जिसका हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।